गोपाल दोस्तों, हैदराबाद पहुंच गया हूं मैं। और हैदराबाद का ये इंडस्ट्रियल एरिया है। हमारे साथ अदित भैया है और एक बहुत अच्छे गोबक के आम जाने वाले हैं, जो हैदराबाद शहर के बीचों बीच में इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ इनका चिप्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ा। क्या नाम है इनका? जीएम फूड्स रविकांत भाई। जीएम फूड्स रविकांत भाई, ये इनकी इधर फैक्ट्री है। आप अगर दिखा सके तो इस तरफ, ये इनकी फैक्ट्री है। और फैक्ट्री के सामने गो सेवा के लिए लगभग 700-800 गज का इन्होंने प्लॉट है। बिल्कुल। और इसी में गो सेवा करते, गाय रखते। गिर की 4-5 गाय लाए थे और वो गाय धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। ये देखिए आप, पूरा महल जैसी व्यवस्था, प्रॉपर गायों के लिए व्यवस्था की है हैदराबाद शहर के बीच में। क्या भाव है इनका रवि भाई का, ऐसा कि ये इतना सुंदर, देखो आप, व्यवस्था की है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में। जब मैं रवि भाई से मिला था तो उनकी ये इच्छा थी कि घर वाले ए टू दूध पिए, क्योंकि वो टाइम पे काफ़ी चल रहा था ए टू का ट्रेंड, उसकी बारे में लोगों को पता लग रहा था। और वो इमीडिएटली अपना काम वगैरह सब छोड़ के गुजरात आ गए और उन्होंने कहा मुझे बेस्ट से बेस्ट गाय भी गए, ट्रेनिंग करने भी गए, खुद ट्रेनिंग की, खुद जाना गाय को क्या खिलाना है क्या पिलाना। बड़ा बिजनेस एम्पायर है, सब कुछ छोड़ के। मेरे हिसाब से तो डेली का 5-6 लाख का चिप्स बना के हैदराबाद सिटी में बेचते हैं। सिर्फ हैदराबाद सिटी में, और रायपुर में भी इनकी फैक्ट्री है। अच्छा, एक फैक्ट्री रायपुर में भी। इतना बड़ा काम काज छोड़ के इन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए और परिवार के लिए गुजरात आए, 10-15 दिन रुके, घूमे और फिर गाय खरीदी इन्होंने। इनकी व्यवस्था देखते कैसे इन्होंने मैनेजमेंट किया, सारी चीजें आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा। वीडियो में जुड़े रहे, सारा लास्ट तक देखना आप। आइए भाई, चलते हैं अंदर। ये इन्होंने फाउंडेशन है लव फॉर काउ हैदराबाद, ये यहाँ का एक फाउंडेशन है, लव फॉर काउ फाउंडेशन। गौ माता के लिए दान करो, ये जो खुले में घूमने वाली या गौशाला की गाय उनके लिए सेवा के लिए काम करते हैं, अच्छा काम है। आइए चलते हैं गेट के अंदर रविकांत भाई के फार्म में। बहुत सुंदर, इतनी हेल्दी गाय कम देखने को मिलती है। और लगभग 3-4 साल हुए, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल आइए देख, आ जाइए। ये गिर में लीलेडी हो गई, ये मैनेजमेंट है। छोटा सा प्लॉट जो मैंने कहा ना आपको, ये पूरा एरिया है जो छोटा सा प्लॉट है। अब इसमें इन्होंने मैनेजमेंट में जो किया है, शेड तो ऊंची हाइट में लिया है पूरा। हाँ। शेड ऊपर है तो गर्मी, वैसे भी हैदराबाद में टेम्परेचर कितना रहता है? टेम्परेचर 25-30 के बीच में रहता है, फिर भी गैप खूब दे दिया तो हवा हवा आने में दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और इधर आप सामने जो कंस्ट्रक्शन किया है, बीच में गायों के रहने की जगह हो गई थोड़ा बहुत, और इस तरफ आप देखेंगे तो लेबर के लिए हो गया और उधर चारे का स्टोरेज हो गया। तो यहाँ अभी लगभग 25 गोवंश है, जिसमें 12-13 बड़ी गाय है, एक नंदी भी है। तो ये लीलेडी हो गई, ये गाय देखिए आप, ये देखिए सारी हेल्दी है, मजबूत गाय। पर एक छोटी सी जगह पे मैनेजमेंट करके जो सिस्टम इन्होंने बनाया है, पार्टीशन कर दिया। एक तो ये हो गया बुल के लिए जगह, पूरा बंद हो जाता है, पैक होके एक बुल अलग हो जाएगा, आप इधर आ जाइए बोले। और उधर बछड़िया हो गई जो 6 महीने से बड़ी हो गई, वो पीछे इस तरफ आपको दिखाता हूँ। ये जो फीडिंग के लिए जो किया है, चारे के लिए टब काट के जो अपने जोधपुर फार्म पे भी है, वैसा ही सिस्टम इन्होंने कर दिया। इसमें ये नमक भी रख दिया गायों के चाटने के लिए। और ये चारा 2-3 रुपये किलो यहाँ तक बैग में भर के आ जाता है, इसको आपको आगे दिखाते हैं हम। बिल्कुल। गोबर हर बार 1-2 घंटे में आदमी उठा लेता है यहाँ से। नीचे फर्श ईंटों का कर दिया, क्योंकि छोटी जगह है तो साफ सफाई व्यवस्था रखनी जरूरी होती है इनको। ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लोरिंग, फ्लोरिंग जहाँ गाय स्लिप होने का चांस बहुत कम होता है। ये अच्छा है, यहाँ पे ईंटों की अच्छी फ्लोरिंग है। और ये हो गए छोटे बच्चों के लिए, अलग से पार्टीशन दे दिया, इधर आप आगे दिखाएंगे। तो एक पार्टीशन करना जरूरी है, सबका सेगमेंट अलग अलग हो जाए। ये साल भर तक के छोटे बच्चे यहाँ आ जाते हैं और प्रेगनेंट और मिल्किंग गाय यहाँ रह जाती है, और जो छोटे बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं उनका एक उधर छोटा बाड़ा और है। ये देखिए आप, सारी गायों की हेल्थ देख लो, चीज़ें देख लो। और गुजरात में जो पैटर्न कहते हैं ना अपन, गिर का पैटर्न, ये लाइन वो लाइन, प्रॉपर कुछ गाय बहुत अच्छी लेके आए आप। हेल्थ में भी गायों को अच्छा रखा है और मजबूत है। अरिश भैया, बिल्कुल, कैसा विजन होगा कि सिटी के अंदर कहाँ के, यहीं के लोकल है? यहीं के लोकल है, महेश्वरी मारवाड़ी है। अच्छा, मारवाड़ी है? मारवाड़ी है, राजस्थान का ही ब्लड है। बट यहाँ पे आया है और यहीं पे शुरुआत से का भाव जग गया, बड़े अच्छा लगा। पंखे लगे हुए गायों के लिए, देखो वीआईपी व्यवस्था पूरी, आप देखो उधर पीछे। ये उन्होंने शुरुआत किया था सिर्फ दूध से, कि अपने परिवार को शुद्ध दूध देना है। और अभी जब गोवंश इतना बढ़ गया, अब वो सोच रहे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करेंगे। उन्होंने लैंड भी खरीद ली बड़ी लैंड भी खरीद ली। अब यही गोबर वहीं यूज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं।
तो उनको नए नए आइडियाज गाय से जुड़ने के बाद और मिलते जा रहे हैं। देखो पीछे लाड करने आगे घर वालों को शुद्ध खाने को मिले उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो गई। आगे कुछ एक्सप्लेन ये डेवलप करने में थोड़े सा गाइडेंस साहिब पूछा रहा साहब डॉक्टर साहब का रहा उनसे भी हम जानेंगे। उससे पहले एक बार आपको चारे का दिखाते हैं फीड रूम जो इन्होंने फीड रूम बनाया है। ये देखिए आप ये बैग पैक हो गए ये चारा आ जाता है और वो उधर साइलेज इनका पड़ा है बैग पैक हो गए साइलेज है। तो सिटी में जो सुविधा होती है वो सुविधा आदमी करता है और दाना भी है। ये कटर मशीन हो गई और ये सारी व्यवस्था देखिए। ओहो नंदी देवता आ गया। आइए आदित्य जी बहुत सुंदर। 5-6 गाय लाए थे आदित्य? 5-6 गाय खरीद के लाए थे गुजरात से। अब 25 के आसपास हो चुकी है। हम एक बार बंद कर देता हूँ बछड़ा अंदर निकल जाए। अब 25 के आसपास 25 के आसपास हो चुकी है और मेरे हिसाब से अगले साल तक 40 तक हो जाएगी। हाँ गोधन धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए। बिल्कुल। ये इनका नंदी हो गया ये इनकी गाय है सारी उधर वो काबरी का अच्छा शौक है। काबरा बुल भी है लीलड़ी जी वो दो लीलड़ी दिख रही है ये भी लीलड़ी है आप दिखाएंगे तो वो दो सामने लीलड़ी दिख रही है जी और ये भी एक तीसरी लीलड़ी चार लीलड़ी हो गई स्पॉटेड काबरी में ये इधर है और ये शानदार बछड़िया भी अच्छी तैयार हो रही है। अच्छा नंदी और संवर्धन पे ध्यान दे आदमी के लिए अच्छा रहता है सुविधा अच्छी की है। छोटी सी जगह दिया जी छोटी सी जगह पे पूरा इंटीग्रेट कर दिया। एक सिटी के इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ इतना पोल्यूशन है वहाँ पे उन्होंने इतना शुद्धि तरीके से काम कर रहे हैं गौशाला चला रहे हैं। बिल्कुल सिटी के अंदर छोटी सी जगह पे पार्टीशन करके डिवाइड करके 500-700 गज की जगह पे बिल्कुल अच्छा किया। हमारे डॉक्टर सूर्या तो यहाँ आते ही काम पे भी लग गए गायों की सेवा में लग ही जाता है। दोस्तों रविकांत जी जैसे लोग जब गौसेवा से जुड़े हैं इतनी बड़ी फैक्ट्री इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद में भी इन्होंने अपनी गौशाला के अपने बिजनेस के सामने ये 700-800 गज जो भी जगह है उसके अंदर मैनेजमेंट करके आज 20-25 गायों की यहाँ सेवा कर रहे हैं। इन जैसे लोगों को जब लगा कि मैं शुद्ध नहीं खा रहा हूँ मेरे बच्चे शुद्ध नहीं खा रहे और शुद्धता के लिए इन्होंने जंग लड़ी है तो यही जंग हमें सबको लड़नी है और गाय की सेवा में जुटना है। एक गाय हर घर में होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप 20-25 गाय पालो एक गाय दो गाय। अगर आप एक गाय दो गाय घर में नहीं पाल सकते तो कम्युनिटी में आ जाओ आप 20 लोग मिलके 20 गाय रख के एक फार्म बना दो। आप 10-20 हज़ार बाहर जाते तो खर्चा कर देते तो वो आप गौसेवा से जुड़िए दोस्तों। आप बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ आकर हैदराबाद में मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से सेवाभावी लोग हैं तो ये बहुत अच्छा है। ऐसी व्यवस्था रखी है सेवा की इनका धन्यवाद है हैदराबाद के लोगों का धन्यवाद है गौसेवा के लिए। जय गो माता जय गो माता।